यूजफुल लाइफ ऑफ मशीनेस पंद्रह साल कितनी बचो कदा कैलकुलेट डेपरीसीएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर एंडेड थर्टी फस्ट दिसंबर दो हज़ार इक्कीस जी अभी आपने खुद थोड़ा सोचना है उसके बाद मैं बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा लेक्चर खत्म हो जाएगा शायद इधर तक आने के लिए जी पहले खुद सोचें कितने महीने की डेप्रिटेशन 2021 में आनी है इस तरह कर लें 2021 एंड 2022 इस तरह कर लें भाई जी नहीं चांद पहले इक्कीस की बता फिर 22 की बता 22 में तो 12 महीने ही है ना 22 में तो शक ही नहीं है एक किस में बताओ बच्चों जी किन बच्चों का ख्याल है कि सर जी डेप्रीसिएशन जो है फर्स्ट अगस्त से ऑनवर्ड चार्ज होनी है और जी शाबाश रिड्यूसिंग में भी यही होता सब मेथड्स में यही होता है जी हाँ नीचे कर ले भाई अच्छा जी आम मेरे भाई वो बच्चे हाथ खड़ा करें जिनका ख्याल है जिनका ख्याल है जी के फर्स्ट सेप्टेंबर दो उस्मान उसामा क्लास है सच्ची पक्की बात है ना जी जी फर्स्ट सेप्टेंबर 2021 से ऑनवर्ड्स डेप्रीशन चार्ज होनी है जी बच्चे वो बच्चे हाथ खड़ा कर दें अच्छा सारे बच्चों ने हाथ नहीं खड़ा किया था जब पहला सवाल पूछे तो वो बच्चे अब हाथ खड़ा करें जिनका कोई ख्याल ही नहीं है जिनको एतबार ही नहीं आ रहा कि हमसे भी हमारा भी ख्याल पूछा जा रहा है जी वो वाले बच्चे जी भाई कह रहे हैं इनके घर वालों ने उनसे कभी नहीं पूछा आपको कैसे पता है जी जहैर भाई मैंने अभी ये कहा है जैसे ही ग्यारह बज जाए ग्यारह बजे से ऑनवर्ड्स जो भी लेक्चर होगा उसका पार्ट सारा यूट्यूब पे रोजाना जाया करेगा ये मैनेजमेंट ने बात की है ठीक है तो आप ये फिर जिम्मेदारी ले लें सात बजे तक ये लेक्चर फिर यूट्यूब पे चला जाया करे ठीक है अच्छा जी ये अब अब बार बार नहीं फिर ये बात होगी ठीक है ना अब इन शाला एक ही दफ़ा दूसरा वो बच्चे जिन्होंने आज ज्वाइन किया उनके लिए ना प्ले लिस्ट बनवा दें अभी आई टी वालों के पास नहीं ऑनलाइन डिपार्टमेंट तो प्ले लिस्ट बनवा दें उनके लिए ठीक है जी पोस्ट बैच की एफ ए आर वन की प्ले लिस्ट बन जाएगी लेक्चर वन से लेकर सिक्स तक सिक्स तक उधर पड़े होंगे ठीक है और ये जितने भी लेक्चर्स आज से ऑनवर्ड्स जाने हैं आधे घंटे वाले ये भी उधर चले जाएंगे प्ले लिस्ट में अभी बना दें शाहिद साहब के उनको कह दें चलो बच्चों अब बच्चों एक बहुत अहम कॉन्सेप्ट है बहुत अहम कॉन्सेप्ट है जो आपने बहुत तवज्जो से सुनना है बहुत तवज्जो से सुनने वाली बातें हैं बहुत तवज्जो से सुनने वाली बातें हैं मेरा वन नोट पता नहीं खराब क्यों हो गया यार जी जी एक मिनट दीजिएगा बस मुझे थो चल थोड़ा भाई एक मिनट बंद कीजिएगा अच्छा भाई ये जिन लोगों का ख्याल था ना कि फर्स्ट सेप्टेम्बर दो हजार इक्कीस से ऑनवर्स डेप्रीसी चार्ज होगी ये ख्याल बिल्कुल क्या है गलत है, गलत है. क्या है बच्चों अब ये बात समझे नहीं ये बात समझे अब ये बात समझनी है कि एसड हमारे पास आ गया जब एसड हमारे पास आ गया अब बहस उससे ऑनवर्ड शुरू होनी है कि इस पर डेप्रिसिएशन कब चार्ज होनी है भाई जाना अब इधर देखिएगा जरा ये एसी आ गया जी हमारे पास ये एसी आया जी हमारे पास फर्स्ट जुलाई पे कब आया बच्चों या इस तरह कर लें जी जुलाई की पच्चीस 26 को आ गया तीन चार दिन इसको इंस्टॉल होने में लगे कितने दिन लगे भाई तीन चार, तीन चार दिन इसको इंस्टॉल होने में लग गए अब मेरे भाई ये इंस्टॉल हो गया और फर्स्ट अगस्त को यकम अगस्त को क्या हो गया बच्चों ये रेडी टू यूज है क्या है रेडी टू यूज है भाई पच्चीस छब्बीस जुलाई को यह रेडी टू यूज नहीं था क्योंकि मैनेजमेंट की चाहत क्या थी इस एसी को दीवार के अंदर क्या करना फिट करना क्या करना भाई तो ये रेडी टू यूज कब होना था जो मैनेजमेंट की चाहत है जब ये एसी वैसा हो गया तो ये एसी कब वैसा हुआ फर्स्ट पे कब हुआ मेरे भाई फर्स्ट अगस्त पे आप बच्चे बहुत तवज्जो से बात सुननी है फर्स्ट अगस्त पे एसी क्या हो गया बच्चों रेडी टू यूज हो गया यानी अवेलेबल फॉर यूज हो गया यानी क्या हो गया लेकिन मेरे भाई हमने इस एसी को चलाना शुरू किया फर्स्ट से कब से बच्चों अब ये जो पड़ा रहा एक महीना इस पे आनी है कि नहीं आनी तो स्टैंडर्ड कहता है जिस दिन अवेलेबल दिन अवेलेबल फॉर यूज था ना उस से आपने इसको डेप्रीशियट करना शुरू कर देना है अभी तो मैंने एसी की एग्जाम्पल ली है अब मैं एग्जाम्पल लेता हूं प्लांट की उस प्लांट की बच्चों प्लांट एंड मशीनरी की जिससे चीजें बननी है जिससे क्या आनी है बच्चों आप सुनिएगा बहुत तवज्जो से बात रहा आप मेरे भाई फर्स्ट अगस्त को नहीं इस तरह कर लें फर्स्ट जुलाई को भाई प्लांट को इंस्टॉल होने में ज्यादा टाइम लगता है कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनको इंस्टॉल होने में दो दो तीन तीन महीने लग जाते हैं हैवी किस्म के जो प्लांट्स हैं मैं नॉर्मल लेता हूँ प्लांट को इंस्टॉल होने में एक महीना लगा कितना लगा भाई फर्स्ट जुलाई को एसिड यानी प्लांट हमारे पास आ गया आप कुछ लोग कहते हैं सर जैसे एसिड आ गया ना भाई एसिड जब आया हमने उसे किताबों में रिकॉर्ड कर लिया हमने फर्स्ट जुलाई को क्या एंट्री की होगी बोलो शाबाश एसेट डेबिट यानी प्लांट डेबिट और क्रेडिट क्या भाई कैश yes. या बैंक या पे बल क्रेडिट yes. अब ये सवाल है किताबों में कब रिकॉर्ड करना है एसेट को यह तो होगा रिकोगशन क्राइटेरिया एसेट था हमने कहा जी इसको रिकॉर्ड करना है बेनिफिट होना है इससे सही है सर बेनिफिट इट इज प्रोबेबल डेट फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट विल फ्लो टू द एंटिटी और इसकी कॉस्ट भी क्या है लाइबली मैरेबल कल पढ़ा दिया था लेक्चर नंबर सिक्स में अब ये तो फर्स्ट जुलाई पे हो गया ना अब मेरे भाई इसको इंस्टॉल होने पे टाइम लगना है क्या होना है हमने एज्यूम कर इंस्टॉलेशन कॉस्ट पहले ले ली हुई है अब मेरे भाई एक महीना लगा इसको क्या होने में इंस्टॉल होने में कितने महीने लगे भाई अच्छा अब इस सवाल ये है इसको डेप्रीशिएट करना कब शुरू करना है बोलो जब से ये अवेलेबल for use available for use तब से होता है जैसे मैनेजमेंट चाह रही है ना एसेट को चलाना वो वैसा बन जाए तो भाई इंस्टॉल होने में एक महीना लगा वैसा कब बन गया एसेट एक महीने के बाद तारीख क्या थी बच्चों 1 अगस्त 2021 अच्छा लेकिन हमने उससे कमर्शियल प्रोडक्शन का मतलब होता है चीजें जो हैं असल में बनाना कब शुरू की प्रोडक्शन कमर्शियल प्रोडक्शन चीजें बनाना शुरू की जो कि मार्केट में आगे क्या होनी है कमर्शियली सेल होनी है वो हमने एक महीना बाद में की। अब मुझे मुझे बताओ, फर्स्ट अगस्त पे क्या कह रहा था? इस्तेमाल नहीं किया ये का मसला है या आपका मसला है? मेरा नहीं है। आपका मसला आपका अच्छा आपका। आप मुझे बताओ बच्चो इसको इसको करो आपके पास बोलो शाबश एसड की कॉस्ट आपके पास है भाई तो झुकते लगाता है ये सवाल भी कर शाबाश, डेप्रीशिएट कर इसे वैसे ते तेरे सुन लो सर इसको ऐसे कर दें, दें। शाबाश भाई मेरे सा, मेरे, सा, मेरे साथ ना इनका मजाक है इसलिए मैंने इस तरह कह लेता होता हूँ अच्छा सवाल देख ले ले सवाल देख, उठ जा उठ जा चलो, चलो करो ना डेप्रीशियट करो ना जी जी भाई दो भी हो सकते हैं जी जी बताता हूँ बताता हूँ आगे जा करता हूँ जान अभी ना ऑनलाइन वालों भाई ने सवाल पूछा है एक होता है एलसी चार्जेस जब ना आपने एसिड को इंपोर्ट करना होता है ना इंपोर्ट करना होता है तो आप अपने बैंक को इन्वॉल्व करते हैं सही है क्योंकि देखो इंपोर्टर को तो नहीं पता ना आप कौन है वो तो एक बैंक है बैंक को जानता है उधर से आप उस इंपोर्टर को नहीं जानते वो इंपोर्टर अपने बैंक को इन्वॉल्व करेगा क्या करेगा ये दोनों आपस में क्या एग्रीमेंट तो हमारा और इंपोर्टर का होगा लेकिन डील को डील कौ? कौन करवा रहा होगा बैंक बैंक वर्सेस बैंक सही है अब इस पे चार्जेस देने पड़ते हैं क्या करने पड़ते हैं तो एलसी ओपनिंग चार्जेस ये भी एसेट की कॉस्ट का पार्ट बन जाता है अच्छा बच्चों है मेरी बात सुननी है गौर से हमने डेप्रीसिएशन एक्सपेंस निकालना है किस साल का बोलो शाबाश एक किस का बच्चों इधर देखें कॉस्ट क्या एसेट की बोलो जी रेजिडेंट वैल्यू सवाल में नहीं है डिवाइडेड बाय बच्चों ये तो एक साल का आ गया शाबाश वेलडन कितना बच्चों टू वन बस एक रुपए का मसला वो छोड़ दें डेप्रीसिएशन एक्सपेंस बताएं बाईस का बच्चों जी बच्चों स्ट्रेट लाइन मेथड है आ, Cost minus residual value divided by. तो शाबाश कॉस्ट माइनस रेजिडेंट वैल्यू डिवाइडेड बाय तो बारह बटा बारह ना करें ना बारह महीने ही नहीं हुआ इस्तेमाल जी बोले डन 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 मेरे भाई अब yes, अब हमने ना एक और सीख लिया इसमें अब हमने ना एक और सीख लिया मेरे भाई ये जो फर्स्ट सेप्टेम्बर है और फर्स्ट अगस्त है बच्चों ये एक महीना एसड क्या पड़ा रहा वेला आइडल क्या बच्चों? आइडल पढ़ा रहा क्या पढ़ा रहा Idle. नोट लिखें बच्चों नोट लिखें भाई नोट लिखें बच्चे जनरल रूल लिखें ये रूल्स आपने किताब पे लिखने होते हैं किस पे लिखने होते हैं ना, ना के रजिस्टर पर ना के किताँ किताँ गये गये। लिख लो फिलहाल रजिस्टर पे लिख लो जी मेरे भाई लिखें नोट शाबाश लिखें इफ एसड बिकम्स वेला आइडल इफ एसड बिकम्स आइडल आई डी एलई आईडियल नहीं लिख देनाम आइडल आईडी एलईन कॉन्टीन्यूज टू चार्ज डिशन डेप्रीसी कॉन्टिन्यूज टू चार्ज ठीक है फहद बस ठीक है पूरी होगी बात यकीन नहीं आ रहा डेप्रीसीएशन कॉन्टीन्यूज टू चार्ज बस ये जनरल रूल था ये लिखवा दिया आपको अब आप, आप इधर आए बच्चों इधर आए इधर आए इधर आ कहता जी कमेंसमेंट ऑफ डेप्रीसिएशन बच्चों अब ये कौन सा कॉन्सेप्ट पढ़ने लगे हैं ये जो ऊपर आपको जुबानी जुबानी बाल लिखते हैं इसको जरा खोल के बयान करते हैं कमेंसमेंट का मतलब होता है आगाज क्या बच्चों डेप्रीसिएशन का आगाज कब होगा बहुत अहम बात कहता डेप्रीसी मस्ट बी चार्ज फ्रॉम द डेट एसड इज अवेलेबल एसड इज अवेलेबल कहता जब वो काबले इस्तेमाल हालत में आ जाए तो बच्चों नॉर्मली एसड काबले इस्तेमाल हालत में कब आते जब आप टेस्ट रन कर लें इंस्टॉल कर लें टेस्ट रन कर लें ऐसे ही है ना इधर लिखें उर्दू में अवेलेबल फॉर यूज पे लिखें उर्दू में हर बात को कवर करें शाबाश वन ट्वेंटी वन अगर मैं किताब से इस तरह पढ़ाऊंगा ना तो फिर मसला ये आएगा कि रोजाना सेंड नहीं किया जा सकता ना लेक्चर इसलिए फिर वो सारा इधर लिखना पड़ता है पहले पेश करना पड़ता है फिर इधर ऑनवर्ड्स अच्छा जी कहता है डेप्रीशन मस्ट भी चार्ज फ्रॉम द डेट एस अवेलेबल आगे लिखे जब इंस्टॉल हो जाएगा और टेस्ट रन भी हो जाएगा है ये एक सौ इक्कीस पे नहीं है एक सौ इक्कीस के एंड पे होगा एंड पे होगा एंड पे लास्ट लाइन है एक सौ इक्कीस की एंड पे है मिला दोस्त मिला जबील्ला के साथ वाले बोल भी वो चांद बोल भी मिल गए? वो चांद का ना इसलिए परेशान हुए अच्छा जी अवेलेबल फॉर यूज का मतलब है जब एसेट को इंस्टॉल कर लें और इंस्टॉल करने के बाद टेस्ट रन भी कर लें, होगा ना अवेलेबल फॉर यूज पहले तो नहीं हो सकता ना इंस्टॉल कर लें, टेस्ट रन कर लें अथॉरिटी से इजाजत मिल जाए फिर क्या हो जाएगा बच्चों? अब ये ध्यान से आपने सवाल में पढ़ लेना कब इंस्टॉल हो रहा है कब क्या उसका नाम अथॉरिटीज ने इजाजत दे दी कब क्या उसका नाम है बोलें टेस्ट रन हुआ अब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इन तीनों में से देख लेना है कौन सा लफ्ज आ रहा है तब से फिर अवेलेबल फॉर यूज कहना है वैसे सवाल में कम ही है किस तरह बताए नॉर्मली इंस्टॉल का लफ्ज ही लिखा होता है लेकिन पता कोई नहीं होता बुरे वक्त का चले एक बात तो बताएं एक बात तो बताओ जरा सवाल में मेरी तरफ मेरी तरफ मेरी तरफ भाई अमार जलाल मेरी तरफ भाई मेरी तरफ सवाल में नहीं लिखा हुआ कि एसेड कब इंस्टॉल हुआ कब टेस्ट रन हुआ तो भाई फिर इसका मतलब है फिर मजबूरन जिस दिन एसेड आया होगा उसी दिन उसे क्या कर देंगे भाई देखो ना सवाल में लिखा ही नहीं है कि भाईजान इंस्टॉल होने में कितना टाइम लगा टेस्ट रन में टेस्ट रन में कितना टाइम लगा तो मजबूरन फिर जिस दिन एसेड आया होगा हम कहेंगे कि के भाई बस ठीक है फिर हमने इंस्टॉल कर लिया ठीक है भाई yeah. सही है yes. आगे बढ़े कहता दिस मे बी अर्लियर यह बात अहम है देन द डेट इट इज एक्चुअली ब्रॉट इन टू अब ये कौन सी बात है बला लिखो इधर इधर लिखो दिस मे बी अर्लियर के साथ लिखो फर्स्ट अगस्त दो हजार इक्कीस yeah. ये नहीं है ये मेरे ख्याल मैंने एडिशन किया ये लिख लें आप आगे जाके इसमें लिखें दिस मे बी इस लाइन को ऐड कर लें इस लाइन को ऐड कर लो बच्चों ऐड कर लो इस लाइन को बच्चे कह रहे नहीं ये मेरा ख्याल मैंने फिर ऐड की होगी दरी दिस में डेट इट इज एक्चुअली ब्रॉट इन टू यूज शाबाश शाबाश और ब्रॉ और मे बी अर्लियर जो है ना इस पे लिखे फर्स्ट इस पे लिखे फर्स्ट अगस्त 2000 इक्कीस और ब्रॉड इंटू यूज के आगे लिखें फर्स्ट सेप्टेंबर दो हजार इक्कीस लिख लें फिर समझा देता हूं यार परेशान ना हुआ करें पहले लिख लो फिर समझा देता हूं नहीं जी जी हाँ हाँ तूने क्या करना है ये ग्रुप्स बना के हाँ मेरे से तो बात नहीं कहते मैं ढाई घंटे क्या करता हूँ इधर

कहता हो सकता है एसेट पहले ही अवेलेबल फॉर यूज हो आप इस्तेमाल करना बाद में शुरू करें डन इधर आ ये बहुत अहम बातें हैं ये आ, सवालों में जब आएंगी तो परेशान करेंगी कहता है ऑनवर्ड शुरू कर दो जब एसेट काबले इस्तेमाल हालत में आ जाए।, आ जाए ये बस आपने पढ़ना है कहता एडवांस और पेबल कहता अमाउंट पेड इन एडवांस और पेबल को इग्नोर करना है आप मेरी बात सुने कहता जी आ, आपने एक एसेट खरीदना था फॉर एग्जाम्पल जिस तरह होंडा एटल से आपने जी गाड़ी खरीदनी हो क्या करना हो छह महीने पहले एडवांस देना पड़ता है कितने महीने फिर आपकी वो बुकिंग करते हैं क्या करते हैं आप भैया एसेट आपके पास यानी गाड़ी आपके पास आ रही है फर्स्ट अगस्त 2021 पे एडवांस आपने फर्स्ट मार्च या फर्स्ट फेब का दिया हुआ है तो मुझे बताओ बच्चों फर्स्ट बेशक 100 परसेंट एडवांस दिया है बेशक आपने पार्सल एडवांस किया है पार्सल एडवांस जिसे डाउन पेमेंट कहते हो पार्सल का मतलब हंड्रेड परसेंट नहीं दिया कम दिया है तो मुझे बताएं शाबाश ये जो आपने एडवांस दिया है इस दिन से एसेट को डिप्रीशिएट करना शुरू कर दू एसेट तो एक्चुअली है ही नहीं हमारे पास और सही है तो बताओ फिर इसकी एंट्री क्या होगी इस एडवांस की एंट्री क्या होगी बताओ शाबाश एसेट डेबिट फिर आखिर मरे यहाँ नहीं आंकड़े भाई एडवांस एसड होता है जो आपने दिया इधर लिखें एडवांस टू सप्लायर डेबिट इसे प्री पेमेंट भी कहते हैं क्या बच्चों और बच्चों क्रेडिट क्या होगा पे वल ना कहना कोई एडवांस होता ही वो जो दे दिया आपने कैश या डन डन बच्चों अच्छा जी नेक्स्ट पढ़ लें कहता एसड इस्तेमाल हालत में उस दिन आ जाता है जिस दिन से ऑनवर्ड उससे फायदा लिया जा सकता है कहता कहता से से ये में कहता, में चेंज किया फर्स्ट 21 ऑनवर्ड फायदा लिया जा सकता था लेकिन हमने उसे फर्स्ट जो लाए इक्कीस को इस्तेमाल में लेके आए तो बताओ बच्चों कहां से डेप्रीशन चार्ज होगी कहता आगे पढ़ लें कहता दो महीने हमने डिले किया ये हमारा मसला है एसड तो चीख चीख के कह रहा था कि मुझे इस्तेमाल करो सो फर्स्ट में 21 नहीं यक़म में 2021 से डेप्रीसी चार्ज होना शुरू डन अब ये आपको समझ आया नहीं आया ये एग्जांपल बताएगी बच्चों बोलना नहीं है बोलना नहीं है इंसानों की तरह एग्जाम्पल पढ़नी है और जिसको समझ आ है चुप करके बैठ जाना एक मिनट का टाइम है ये एग्जाम्पल पढ़े बोलना नहीं है दूसरे बच्चों को भी मौका दें जिनको समझ नहीं आई ये एग्जाम्पल पढ़े अभी देखते हैं आपको समझ आती है कि नहीं इसको ना चेंज करना पड़ेगा थोड़ा ये गलती से इक्कीस आएगा इधर जी पहली एग्जाम्पल पढ़नी है अभी जब पढ़ लें तो फिर आपने ऐसे हाथ खड़ा कर देना कि सर मैंने एग्जाम्पल पढ़ ली है बोलना नहीं है बोलना नहीं है लला की कहानी नहीं लिखी एग्जाम्पल लिखी है इतना क्या देख रहा है पढ़ ले जल्दी ले। तो क्या जवाब है <laughs> यार कल से मुझे छोटी ला के देनी है ठीक है ऊपर टेप भी कर देना ये मैं मजाक नहीं कर रहा मदाख जी मजाक नहीं कर रहा सीरियस इन्होंने ऐसे नहीं बंदे बनना जी बताओ यार बताओ जल्दी बताओ किस किसने रीड कर ली है चलें हाथ नीचे करें अब मैं एग्जांपल पढ़ता हूं बच्चों कहता एन एंटिटी हैज एन अमाउंटिंग टू कितना जी कहता इट इज अवेलेबल फॉर यूज बताओ बच्चों ये ना बाईस तरह गलती से लिखा गया है फर्स्ट फेब दो हजार इक्कीस था हाउ एवर द एंटिटी प्रोडक्शन यानी ब्रॉड इन टू यूज कहता फर्स्ट अप्रैल 2000 हजार बच्चों इस तारीख को पे, सवाल के अंदर ना मैं आपको बड़े सवालों के लिए तैयार कर रहा हूं आहिस्ता आहिस्ता डायरेक्ट नहीं सवालों पर लेके गया तो इसको इग्नोर करना है सवाल में जैसे आपको किया जा रहा है साकिब कहता हाउ कहता जी एंड मेड समझ गए एंड मेड पेमेंट ऑन कहता और पेमेंट आपने कब की है मेरे भाई पेमेंट जब आप मर्जी करें जब आपके पास एसेट आ जाएगा ना आपके पास एसेट आ गया आपने कहना जी नॉन करंट एसेट डेबिट मैं इस चैप्टर में, प्लान जान, पेबल बाद में जाके पेमेंट है। सही है एसेट किताबों में क्या हो गया रिकॉर्ड हो गया अब उससे फायदा लेना कब शुरू किया बच्चों कहता जी परचेज किया और अवेलेबल फॉर यूज इधर है तो भाई डेप्रिसिएशन कब से चार्ज होनी है डन डन मेरे भाई डन मेरे भाई yes, मेरे भाई? yes अच्छा और पेबल आपने किताबों में रिकॉर्ड करना है कहता जी पेमेंट कब किया आपने फर्स्ट भाई भाई। बताओ जी एंट्रीज बताओ शाबाश बताओ एंट्रीज क्योंकि उसने नहीं लिखा कि परचेज कब किया तो फिर मैं ज्यूम करता हूं कि जिस दिन अवेलेबल फॉर यूज था उसी दिन ही परचेज किया बताओ भाई जल्दी बताओ फर्स्ट मे को एंट्री बताओ सॉरी फर्स्ट फैब को एंट्री बताओ क्या होगी एसड का नाम मैं क्या रखूं यार अब मशीन डायबिट कितने की बच्चों बच्चों पैसे नहीं दिए पैसों को नहीं देखना पैसों को जिंदगी में वैसे नहीं देखना जो किस्मत में है मिल जाएगा इंशाल्लाह पेबल फॉर अच्छा मैंने वैसे मजाक नहीं किया यकीन करें आ, जो पैसे के पीछे भागता है ना इज्जत नहीं मिलती हाँ कोशिश करें मैं ये नहीं कह रहा कि तो हिम्मत कोशिश करते रहे लेकिन ये पुजारी नहीं बनना इंशाल्लाह इज्जत के साथ अल्लाह दे देगा अच्छा कहता एंड मेड पेमेंट ऑन फर्स्ट मई 2000 बच्चों मुझे बताओ अच्छा कुछ बच्चों के ذہن में पता सवाल क्या आ रहा है सर हमने डेप्रीशिएट इधर करना शुरू किया तो डेप्रिसिएशन की एंट्री भी कर दें चाचू इतने ज्यादा सवाल यकीन करें कुछ बच्चों के जेन में सवाल है इतने ज्यादा जब सवाल मैंने करवाए थे तो मैंने डेप्रिसिएशन करते हर सवाल में 31 दिसंबर तो 31 दिसंबर का मतलब जब ईयर एंड हो रहा है हर सवाल में मैंने ये एंड के ऊपर ये एंड के ऊपर ये एंड के ऊपर डेप्रीटेशन चार्ज की थी जी मेरे भाई फर्स्ट पे या एंट्री बताओ जी कैश या बैंक जो भी होगा डन बच्चों आप साल पूरा होगा तो फिर डेप्रीसिएशन डेबिट डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट और उसने डेटा नहीं दिया ना कर नहीं सकते एंट्री। नेक्स्ट सवाल बोलना नहीं है खामोशी से तवज्जो से पढ़ना है। जी समझ आया कि नहीं आया तसल्ली से इस बात को पढ़ना है रोला नहीं डालना जवाब बेशक सेम है मुझे बताओ चेंज क्या है वेल्डन शाबाश वेल्डन वेल्डन शाबाश बहुत अच्छे शाबाश ऐसी क्लास में एक्टिव होकर बैठना कहता एन एंटिटी पर चेद एन एसेड अमाउंटिंग टू रुपीज एक लाख कुछ भी तो नहीं बदला सब वैसा वैसा ही है सामान भी वही है क्लास कहता इट इज अवेलेबल फॉर यूज फर्स्ट फैप इधर तक भी सामान वही है कहता हाउ एंटिटी है स्टार्टेड प्रोडक्शन वही सामान सारा कुछ वही है कहता एंड ये जो आपके जेनों में सवाल आते हैं ना सर एडवांस पहले दे दिया पेमेंट पहले ही कर दी बाद में की ये, ये वो सारे सवाल हैं एंड मेड एडवांस पेमेंट ऑन फर्स्ट जैन मेरे भाई मेरे भाई मुझे बताएं अवेलेबल फॉर यूज कब है मादर, मादर, मादर। जब मैं कमेंसमेंट ऑफ करूंगा तो इस तारीख को इग्नोर इस तारीख को इग्नोर तो उधर ना बोंगे नहीं बन जाना चार पाँच दिन तो में इसको टिक लगाएं इधर से डेप्रीशियट होगा अगर आपका ये है इकतीस दिसंबर तो कितने महीने डेप्रीशिएट होगा ग्यारह बेटा ग्यारह कितने भाई चले एंट्री बताएं शाबाश मुझे बताएं जिस दिन एडवांस पे की एंट्री क्या होगी अब उसने ना अब उसने सवाल में ये नहीं बताया कि एडवांस कितना पे की है तो फिर क्या दमशन लूंगा सारा कर दिया ना हंड्रेड परसेंट जी बताओ शाबाश एंट्री बताओ फर्स्ट जैन दो पे प्री पेमेंट कर लें या एडवांस टू सप्लायर एक ही बात है ना तो एडवांस टू या प्री पेमेंट दोनों बातें सही हैं जी या फिर प्री पेमेंट या फिर चले मैं लिख नहीं रहा थोड़ा सा जगह का मसला जी बच्चों एक लाख और टाइम का भी और बच्चों बताओ आ, पेबल क्रेडिट ना भाई जब एडवांस दे दिया तो कैश या बैंक पैसे चले गए जी बच्चों जी, मेरे भाई, से मैंने करना है, ये, आ, ये वाला मैंने अब इसलिए पढ़ाया कि आप तंगना क्लास में आज बैठे आपको समझ आ जाए लेकिन अब कल जो है मैंने डिस्पोजल ऑफ एसेट शुरू कर देना है। ये हम खैर आसान से कॉन्सेप्ट हैं ये ना पहले डिस्पोजल करवा के पढ़ाते हैं लेकिन इस दफा मैंने ये पहले पढ़ा दिए आप लोगों की वजह से अब कल मुझे ये कोई ना के के सर मैं लेक्चर नहीं लेके आया जी साकिब साहब कल नहीं बहना चलेगा अच्छा बच्चों अब आपने ये लेक्चर लेके आना है जी कहता जी फर्स्ट फैप पे एसिड अवेलेबल फॉर यूज था लेकिन अच्छा मुझे बताओ एसिड आया कब आपके पास बोलो यार जिस दिन अवेलेबल फॉर यूज फिर आया भी तो दिन होगा ना आप मुझे बताओ फर्स्ट फैप पे क्या एंट्री करनी है और बच्चो आलो जी फिर कैश दो दो दफा कैश दें कैश ने कैश दें बहुत ज्यादा हमारे पास कैश है दें कैश दुबारा फिर बच्चों कैश दे तो दिया एक दफा आप जो एडवांस टू सप्लायर सुना भी सुने आप जो आपने एडवांस किताबों में रिकॉर्ड किया था उस एडवांस का फायदा आ तो हो गया है मशीन की शक्ल में मशीन आ गई ना भाई इसी मशीन के अगेंस्ट आपने एडवांस दिया था मशीन भी आ गई है एडवांस भी उसके पास पड़ा है दोबारा फिर जाके एक मशीन लेनी है तो भाई इस एडवांस को किताबों से ख़त्म करें क्या करें भाई आपने कैसेट किताबों में रिकॉर्ड किया था सही है सर वो क्यों रिकॉर्ड किया था क्योंकि हमने वक्त से पहले पैसे दे दिए प्री पेमेंट इसलिए भाई जान ये हमने किताबों में ऐसा रिकॉर्ड किया था कि हमें इसके बदले में मशीन मिलनी थी कुछ अरसे के बाद यानी एक महीने के बाद जब एक्चुअली वो मशीन मिल गई तो भाई मशीन जब मिल गई तो इस एडवांस को अब ख़त्म नहीं करना पड़ेगा बताओ खुद बताओ क्रेडिट क्या करूं कैश तो मैंने पहले ही एक लाख रुपए का एसेट था दे दिया डन एडवांस सप्लायर बच्चों इसकी नेचर एसेड हो, एसेट होता है ये क्या होता है और नॉर्मली करंट एसेट होता है क्या होता है जब तक खुद ना कह दे नॉन करंट नहीं लेना चलें भाई चलें बस ठीक है होमवर्क बच्चों कोई नहीं है बस आपने क्या करना है लेक्चर रिवाइज करना है आज वाला क्या करना है ये सारा लेक्चर रिवाइज करना है ये आपके पास आ जाया करेगा पीडीएफ के बजे तक टेस्ट बारे में भाई जितना पढ़ लिया वो टेस्ट है बस आज तक जितना आज तक पढ़ा हाँ भाई हाँ एक सवाल होमवर्क में एक सवाल होमवर्क में पास पेपर का क्वेश्चन नंबर वन होमवर्क है आपका एसड की कॉस्ट में क्या क्या चीजें ऐड होती हैं डेप्रीसी कब से कमेंट होनी है ठीक है जी पास पेपर का सवाल नंबर वन सारे बच्चे करके जो ये सब चेक करना है जी सबका ठीक है जी कल होमवर्क चेक करेंगे जी हम इन पास पेपर आइए नंबर वन अल्लाह हाफिज